Namaste friends, welcome to Art and Tarum. Yes, today we are going to talk about the card of the tower. आज हम बात करने वाले हैं the card of the tower की. Card of tower में जाने से पहले इसके keywords देखेंगे. The tower के keywords हैं destruction, clarity, disaster, upheaval, sudden change, revelation, lightning, awakening, eye opener. तो हम इसके pictorial में जाते हैं. सबसे पहले pictorial बहुत ही simple है अपने आप में. हमें ये दिख रहा है कि एक tower जो एक लंबा सा एक tower जो है वो आसमान में खड़ा हुआ है और एक बिजली की गोंद उस पर पड़ी, एक लाइटनिंग की जो बोल्ट है उसके ऊपर पड़ी, जिसके कारण जो है पूरा का पूरा टावर हिल गया, आग लग गई और एक मेल और एक फीमेल फिगर को हम गिरते हुए देख रहे हैं. सबसे पहले इसके नंबर को समझेंगे. टावर का जो न्यूमेरिकल है, जो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर है वो है 16, विच कम्स टू 7. तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्ड है वो है बनता द कार्ड ऑफ द चैरियट. द कार्ड ऑफ द चैरियट में हम देखते हैं कि लाइक समवन हु स्टार्टेड ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, समवन हु इज इनिशिएटेड इनटू अ स्पिरिचुअल पाथ. द फिगर इन द चैरियट इज द सेम पर्सन, द फूल हु हैज रियलाइज्ड हिज पावर एंड ही हैज स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी, अ स्पिरिचुअल जर्नी, अ जर्नी विच वॉज सपोज टू बी स्पिरिचुअल बट इट वेंट ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन. जो फिगर हम देखते हैं चैरियट में, ये वो आदमी है जिसने एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है अपनी शुरू करी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वो जो जर्नी थी वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चली गई. ये जो टावर है ये बनाया था चैरियट ने ही, एक बहुत अच्छे से जो है एक फाउंडेशन क्रिएट की गई थी, लेकिन वो करप्ट हो गई. वो करप्ट हो गई तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक डिस्ट्रक्शन. सो टावर की स्थिति कुछ ऐसी है जो कि चैरियट के कार्ड से शुरू हुई थी अच्छी डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन वो चली गई गलत डायरेक्शन. टावर जब भी आपकी रीडिंग में आ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्शन, देर इज़ अ काइंड ऑफ अ अपहीवल, समथिंग इज सम काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग, लाइक यू आर बींग शेकन फ्रॉम द रूट्स, वॉट एवर यू हैव बिल्ड इट इज़ ऑल कोलैप्सिंग, यू आर फॉलिंग डाउन. इसको जो है अगर हम कार्ड के घेरे में जाएंगे तो इसको हम जो है द कार्ड ऑफ डेविल के साथ भी जोड़ सकते हैं. कार्ड ऑफ डेविल में वो जो दो मेल और फीमेल जो फिगर्स जो दिखाई गई हैं, ये सेम मेल और फीमेल फिगर्स हैं जो कि टावर कार्ड में जो है उसके कलाप्स होने की वजह से नीचे गिर रही है. सो वॉट इट मीन्स इज अ टाइम कम्स वेन द अनकॉन्शियस इज लाइक यू नो सो बिग दैट इट एक्सप्लोड्स. एक टाइम आता है जब अनकॉन्शियस भी जो है वो फूट जाता है, बिकॉज अनकॉन्शियस इज समथिंग इज लाइक अ बलून, इज लाइक अ एयर फिल्ड इन द बलून, और आप इसको फुलाते रहिए आपका ईगो फूलता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो फूट जाएगा. द टावर कार्ड हमें इसी बात की जो है एक स्थिति बताता है जहाँ पर वो गुब्बारा जो है वो फूट गया. कुछ ऐसा भी समझिए, ये कार्ड कुछ ऐसा है कि एक आदमी जो कि एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में था और लेकिन बहुत अच्छे से जर्नी शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे जो है जर्नी का जो है अपना एक रास्ता बदल गया. जाना था ऊपर और चले गए नीचे. एक्सप्लोर करना था ऊपर के चक्रास को, लेकिन एक्सप्लोर करा नीचे के चक्रास को, जिसको योग की भाषा में हम योग भ्रष्ट भी कहते हैं. भोग भ्रष्ट जैसा कोई शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन योग भ्रष्ट है. क्यों कहते हैं हम योग भ्रष्ट? योग भ्रष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक स्थिति है जिसमें आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर ट्रैवल कर गई है. अगर आप वहाँ से नीचे गिरते हैं तो उस स्थिति को जो है योग भ्रष्ट बोला जाता है. व्हेन यू सी द टावर इन योर रीडिंग यू मे फील शेकन अप, स्केयर्ड और इनसिक्योर, because this card has come to wake you up, you know. It's a shocking truth. It's a kind of a revelation which is coming in front of you. It's a kind of an eye opener. कुछ है
जो कि एक बहुत स्पष्टता से जो है आपके सामने आ गया आपको जगाने के लिए। एंड यू हैव नो चॉइस बट टू वेक अप नाउ। आपने सोने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब कुछ ऐसा समय आ गया है कि अब आपको जागना ही पड़ेगा। हमारे द गार्ड ऑफ टावर हमें जगाने की तरफ इशारा करता है। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि शायद आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, चिंता में हैं, और कुछ दुख और या परेशानी जो है लगातार आपके जीवन में चल रही है। वो सिर्फ ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ द टावर, द प्रेजेंस ऑफ द डेविल ऑल्सो इन योर लाइफ। लेकिन टावर एक तरह से देखा जाए तो एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि अब जो है एक नया समय शुरू होने जा रहा है। द कार्ड ऑफ टावर जो है वो आपको लेके जाता है द कार्ड ऑफ स्टार की तरफ। डिस्ट्रक्शन तो हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन साथ में एक न्यू बिगनिंग भी है। सो यू कैन ऑल्सो कॉल द कार्ड ऑफ टावर एज द कार्ड ऑफ शिवा डिस्ट्रक्शन, जिसमें शिव खुद आते हैं और सारी चीज़ें नष्ट कर जाते हैं। नष्ट इसलिए करते हैं ताकि आपको नया जीवन दे सके, ताकि आपकी एक नई लाइफ शुरू हो सके। टावर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम विच यू हैव बिल्ड अराउंड योर सेल्फ। अक्सर जो है हम अपने आप को लाइफ में अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं, एक झूठा चेहरा जो है हम बाहर लेके जाते हैं और इतना खो जाते हैं उसमें कि वो झूठा चेहरा जो है वो हमारी असलियत ही बन जाता है। लेकिन जो आपका असली चेहरा है वो तो आपके भीतर ही है, जो कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया है। और टावर कार्ड जो है आपको ये भी एक्सप्रेस करता है कि एक ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पे आप जो है पूरी तरह से झूठ में इन्वॉल्व हो गए हैं। सो इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू ब्रिंग द ओरिजिनल फेस विच इज़ वेटिंग टू कम आउट। ऐसा चेहरा जो आपका जन्म से पहले था और वो चेहरा जो आपकी डेथ के बाद होगा। सो इन शॉर्ट इट्स एक्चुअली द ईगो विच इज़ डिस्ट्रॉइंग इन द टावर। ये आपका अहंकार है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है इस टावर कार्ड के साथ। टावर कार्ड की जो है अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इट जस्ट शोज दैट देर इज़ अ क्राइसिस राइट नाउ। अगर आप जॉब या बिजनेस या फिर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें जो है अभी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम शो किया गया है। इट्स समथिंग विच यू कैन एक्चुअली कनेक्ट योर सेल्फ विद द करोना वायरस राइट नाउ, जिसकी वजह से सारे काम धंधा सब चीज़ों के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ा है। सो इट इज़ सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच हैज़ हैपेंड। सो यू कैन एक्चुअली से द टावर इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर, इट्स जस्ट समथिंग वेरी सिमिलर लाइक यू नो द करोना वायरस हैज कम। और अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, अगर टावर की पर्सनालिटी का कोई व्यक्ति होगा तो वो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीचर की तरह होगा। He will be like a Shiva personality. He will be like a guru who has come to shake you up. Someone who is like a Bodhidharma. Bodhidharma जो है बुद्ध के शिष्य रहे हैं, and he is the most ruthless master. He doesn't care. He is the topmost master of Zen culture. Bodhidharma जो गुरु थे वो ऐसे थे कि उन्होंने जो कहना है बिल्कुल तलवार की धार पे जो है वो कहते थे। वो चिंता नहीं करते थे, वो अपनी बातों को शुगर कोट नहीं करते थे। वो जैसा उन्होंने बोलना होता था बिल्कुल वैसे ही सपाट बोल देते थे। तो अगर शिष्य में हिम्मत होती थी तो सुन लेता था, अदरवाइज वो भाग जाता था। ये उनकी टेक्निक भी थी सिचुएशन, क्योंकि उनको सिर्फ रियल डिसाइपल्स अपने आसपास चाहिए थे। तो जितने भी नकली डिसाइपल्स थे उनके पास टिकते ही नहीं थे, सब भाग जाते थे। सो अगर पर्सनालिटी की बात करें तो वो होंगे बोधिधर्म की तरह, एक ऐसे गुरु जो कि आपको जो है सुधारे बिना आपको यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। प्रॉब्ली अ सेपरेशन और अ डिवोर्स की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है। जब ये कार्ड आ रहा है आपका रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है बहुत ध्यान से, अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए केयर करते हैं, टू ट्राई टू वर्क आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि ये कभी भी टूट सकता है। इससे पहले ये टूटे इसके लिए आप कुछ कर दीजिए, इसको संभाल लीजिए, इसको बचा लीजिए। और फाइनली अगर मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, टावर एक ऐसी स्थिति है जो कि हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, गुरु के पास में जो एक एक स्थिति बनती है,
गुरु के पास जब हम बैठते हैं वो होता है उपनिषद, गुरु के पास बैठना होता है उपनिषद। लेकिन जैसे जैसे गुरु अपनी टीचिंग्स देता है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो जब जर्नी शुरू होती है गुरु की, वो पूरी शुरू होती है ट्रुथ के बेसिस के ऊपर। फिर एक टॉवर खड़ा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, डिसाइपल्स इकट्ठे होते हैं और फिर गुरु की टीचिंग्स जो है वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू होती है। गुरु की टीचिंग्स जो है बात, गुरु की टीचिंग्स के बारे में बात होनी शुरू होती है, उसको प्रैक्टिकलिटी कैसे अपनी लाइफ में जो है लाया जाए उसकी बात होनी शुरू होती है। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन टाइम ऐसा आता है कि इसमें एक करप्शन आ जाती है। और ये जो स्पिरिचुअल डिसाइपल्स ने जो ये जो टॉवर खड़ा करा, वो एक मिसाल था, वो एक रिमाइंडर था, ताकि आपको अपने भीतर का जो है टॉवर उसको आप रिमाइंड कर सकें। बाहर का जो मंदिर है वो सिर्फ आपके भीतर के मंदिर को रिमाइंड कराने के लिए। आप अगर बाहर ही अटक जाओगे, आप अगर बाहर के मंदिर में भी अटक गए तो भी अटक जाओगे। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज यू एंटर इन टू द टेम्पल विच इज़ इन साइड योर हार्ट। तो अगर बाहर का टेम्पल आपको अपने भीतर नहीं लेके जा रहा तो कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं यू हैव गॉन इन टू अ रॉन्ग डायरेक्शन। द रियल जर्नी विल बी वेन द आउटर टेम्पल कैन टेक यू टूवर्ड्स योर इनर टेम्पल। सो जैसे जैसे टावर पॉपुलर होता है लोग और आने शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़ी होती है वो फैलती है, पॉपुलर होती है। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ धीरे धीरे जो है उसके अंदर एक करप्शन भी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो डिसाइपल हैं, क्योंकि जो डिसाइपल हैं उनका काम था गुरु का शब्द, गुरु का जो मैसेज है उसको बांटना। लेकिन धीरे धीरे जो है वो पैसा इकट्ठे करने में लग गए या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ में लग गए, एंड सिंपली यू नो द मूवमेंट वेंट इन टू अनदर डायरेक्शन, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन और केओस क्रिएट हुआ। डिसाइपल्स ने झूठे वादे करने शुरू करे, डिसाइपल्स ने कहना शुरू करा कि ये टावर जो है आपको हेवन की तरफ लेके जाता है, ये टावर आपको वो सब कुछ दे देता है जो आप हमेशा से मांग रहे हैं, आप सिर्फ डोनेशन दीजिए। फिर करप्शन इतनी बढ़ जाती है कि एक टाइम आता है कि हेवन रिस्पॉन्ड करता है। और कैसे रिस्पॉन्ड करता है हेवन? हेवन रिस्पॉन्ड करता है बिजली की कौंद, बिजली गिरा देता है उसके ऊपर, उस टावर के ऊपर, और एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। तो वो जो झूठ जो चला आ रहा था, जर्नी शुरू हुई थी सच के लिए, सच से ही यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो झूठ बन गई। And that is where it resulted in the card of the tower. जो chariot card था उसकी potential थी enlightenment की, awakening की, अपनी destination को complete करने की, अपनी यात्रा की मंजिल पर पहुँचने की। लेकिन वो मंजिल के बीच में ही अटक गए, जिसकी वजह से ये destruction हुआ और tower collapse हो गया। So जब भी आपकी reading में जो है the tower card आ रहा है, वो आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत हुआ, अब जाग जाओ, वरना कुछ ऐसा होगा कि आपको जगा दिया जाएगा। तो पहले तो आपको भगवान जो है कोशिश करते हैं कि आप खुद जाग जाओ, ट्राई करते हैं, फुसलाते हैं, वो ट्राई करते हैं कि आप जो है आराम से जाग जाओ। लेकिन नहीं जागते तो फिर उनको जो है बिजली गिरानी पड़ती है। तो बिजली जो है वो जो एक थंडर बोल्ट है वो सिर्फ एक अवेकनिंग का सिंबल है, वो एक सिंबल है कि वो आपको जो है जगा देता है। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ द टावर। जाते जाते जो है मैं एक कोट इसके लिए जो है बोलना चाहूँगा। कोट है मार्क ट्वेन का, इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। वो कहते हैं थंडर इज़ गुड, थंडर इज़ इम्प्रेसिव, बट इट इज़ लाइटनिंग दैट डज द वर्क। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको, जो काम लाइटनिंग कर देती है वो और कोई भी नहीं कर पाता, वो थंडर नहीं कर पाता। लाइटनिंग जो है काम करती है आपको जगाने का, एक डिस्ट्रक्शन का, लेकिन डिस्ट्रक्शन अच्छे के लिए, एक न्यू बिगनिंग देने के लिए। तो कार्ड ऑफ टावर जो है उससे आप घबराइए मत, वो जब भी आ रहा है वो आपको एक नई बिगनिंग की भी जो है साथ में खबर लेके आ रहा है। लेकिन डिस्ट्रक्शन हो उससे पहले अगर आप समझ जाए, अगर अपनी गलती को समझ लें
तो फिर टॉवर जो है उसमें डिस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं रह जाएगी, एक ही चीज़ डिस्ट्रक्ट होगी, वो है ईगो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्ते।